Assalamualaikum everyone. This is Yasir sir. So today we are going to learn another lecture. So again, once again, we all are here. Today we are going to learn a very important topic. We are going to clear the confusions. So which confusion is that? Mostly we confuse in that. Today we are going to learn about the pronunciation. Today we are going to learn about the pronunciations. So here is a rule that I have written in front of you all. Here is a rule of C. Now, rule of C, what is the rule of C? Don't worry, I'm going to clear it. Okay, mostly we confuse about that rule. When C comes, so it has two sound, it has two pronunciations. One is that, which are? One is S, second is K. So we confuse in that, where do we pronounce K, where do we pronounce S? आज हम रूल ऑफ सी के बारे में सीख रहे हैं. मोस्टली हम कंफ्यूज होते हैं कि जब ये सी आता है तो सी के दो प्रोनाउंस निकलते हैं, मीन्स दो साउंड्स होते हैं. कौन से? एक होता है स, दूसरा होता है ख. तो हम कंफ्यूज ये होते हैं कि हम यहाँ पर इसको अब स पढ़े या ख पढ़े. मोस्टली हम कंफ्यूज. सो डोंट वरी, राइट नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर दैट. Don't worry, we are going to clear that. Here, rule of C का मतलब होता है कि आज हम ये clear करेंगे, हम C को हमेशा हमेशा के कहाँ पर स प्रनाउंस करेंगे, स पढ़ेंगे. Don't worry, that's very simple. यहाँ पर rule of C मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि C, अगर C के बाद कोई एक C letter है, C के बाद अगर Y, I, E आए तो हम हमेशा C को वहाँ पर स प्रनाउंस करेंगे. क्या करेंगे? स प्रनाउंस करेंगे. मैंने कहा कि अगर सी है, सी के बाद वाई आई ई लेटर हो तो हम हमेशा सी को वहां पर स प्रनाउंस करेंगे. एग्जांपल भी यहां पर मैंने लिखे हैं ताकि आप और क्लियर हो जाएं. यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा है साइकिल. अब सी के बाद कौन सा लेटर है? Y, तो ऑटोमेटिकली हम समझ सकते हैं कि C के बाद Y तो हम प्रनाउंस करेंगे साइकिल. उसके बाद एक और वर्ड मैंने लिखा है सेंटर. क्या पढ़ते हैं इसको हम? सेंटर. अब सी के बाद कौन सा लेटर है? ई. जब भी सी के बाद क्या आता है? ई आता है तो हम सी को वहां पर हमेशा से. उसके बाद हमने यहां पर लिखा है सिटी. क्या लिखा है मैंने? सिटी. अब यहां पर सी के बाद कौन सा लेटर है? आई. तो अब यहां हमने कहा कि अगर सी के बाद वाई लेटर आए तो हमेशा सी को स पढ़ते हैं. तो ये रूल ऑफ सी का प्रोनाउंसिएशन स था. अब हम आते हैं हम ख कहां पर पढ़ें. वेरी सिंपल ना. कैसे सिंपल? अगर सी के बाद ना वाई लेटर हो, ना वाई, ना आई लेटर हो, ना ई लेटर हो तो हम हमेशा वहां पर सी को ख पढ़ेंगे. जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखे हुए यहां पर लिखा है खम. सी के बाद कौन सा लेटर है? आओ है ना. हम सम पढ़ेंगे या खम? खम पढ़ेंगे ना सर. क्यों? क्योंकि सी के बाद आओ है, ना वा है, ना आ है, ना ई है. अब एक और मैंने कैट. क्या पढ़ते हैं हम इसको? कैट. सी के बाद ए ना सर. क्लियर. सी के बाद एल है ना सर. क्राई. सी के बाद आर है ना सर. उसके बाद सी के बाद यू है, कट. अब हमने यहां पर सबको किस में प्रोनाउंस किया? ख में. क्यों ख में किया? क्योंकि सर सी के बाद ना वाय था, ना आय था, ना ई था, तो इसलिए हमने वहां पर सी को ख पढ़ा. उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा. उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.